नमस्कार मित्रों, मैं हूं अश्विनी कुमार त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज। हम पार्टी के टेकारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार कल हम पार्टी के करीब संपर्क यात्रा के विशेष तैयारी को लेकर टेकारी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किए हैं। तो वही मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी एवं उनके बेटे संतोष मांझी गरीब संपर्क यात्रा को लेकर जनता से मिलने के लिए आ रहे। हर गरीब का संवाद उन तक पहुंच सके, इसलिए आज ही से उनकी विशेष तैयारी में लगे हुए। इस मौके पर उत्तरेन पंचायत के मुखिया निवास कुमार, महामना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, शिवनगर पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी उमेश दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता उदन पासवान एवं कई सामाजिक कार्यकर्ता लोग मौजूद रहे। ये थी हमारे न्यू इंडिया न्यूज के लिए स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। ये पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह यात्रा क्या बनना चाहेंगे और ये यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य है हमारी पार्टी का कि गरीब संपर्क यात्रा, हम पूरे मगध के क्षेत्र में, चूंकि हमारा पार्टी मेन फोकस करता है मगध में, मगध के इलाका में हम लोग घूम रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग घूमेंगे मुंगेर प्रमंडल में, फिर पूर्णिया प्रमंडल में। तो इतना दिन से कार्य हो रहा है सरकार द्वारा, तो कहीं क्या गरीबों का सुख है, क्या परेशानी में है, क्या पूर्वी इंदावास में है, क्या अन्न योजना में है, क्या पेंशन योजना में है, क्या गरीब अतिथि योजना में है, और जो गरीब का परेशानी है कि बात की दिक्कत है, ये सब को देते हुए यात्रा कर रहे हैं कि बात और सुन करके फिर हम लोग संग्रहित कर रहे हैं कि कौन कौन सा समस्या है गरीबों का। ऐसा समस्या लेकर के 26 तारीख को गया के गांधी मैदान में समापन है। उस समापन में टेकारी को भी हजारों लोग वहाँ जाएंगे, हजारों की संख्या में लोग जाएंगे और सब जा करके अपनी बात को रखेंगे। तो हम कल 21 तारीख को जितने गरीब लोग हैं सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि 23 तारीख को माननीय जीतनराम मांझी जी, संतोष जी सब लोग आ रहे हैं और यहाँ पर कार्यक्रम होगा टेकारी में, आपका नगर पालिका के सामने कारीराज स्कूल के सामने वाला मैदान में सभा है 2 बजे, और उसके बाद फिर यहाँ आवेंगे आपका पंचानपुर में बाबा भीम राव अम्बेडकर साहब के मूर्ति पर मल्यार्पण में नुक्कड़ सभा होगा, उसके बाद परैया की ओर बढ़ेंगे। सर इस दौरान सर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने जो सर संतोष मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का दावा ठोक दिया, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? दावा नहीं ठोके हैं, बोले हैं कि भविष्य में कोई मुख्यमंत्री बनने की बात हो तो मेरा भी लड़का पढ़ा लिखा है, डिग्री किए हुए है, PhD किए हुए, नेट क्वालिफाइड है, बात क्यों बोल रहे थे? ऐसा नहीं बोल रहे थे कल मुख्यमंत्री का। पार्टी में कोई अपना पार्टी को चाहेगा ना आधार बनाना, पार्टी मेरा मजबूत हो, पार्टी कल मेरा भविष्य बढ़िया हो, कल पार्टी आगे बढ़े तो मेरा मुख्यमंत्री हो, तो ऐसा होकर नहीं कल ही मुख्यमंत्री मेरा लड़का हो, पार्टी को आगे ले चल के बात को कोई बताएगा। इसी बात को उन्होंने रखे कि हमारा लड़का किसी से कम जो कि नहीं, अगर उस दौर होगा तो हम अभी तो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, सब लोगों का समर्थन उनका है, सब लोग उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, हम पद यात्रा भी हो रहा है तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग बताएंगे छोटे बड़े बात जितना है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या बात छूट गया है, इस बात से उनको अवगत कराएंगे। क्या लगता है गरीब संपर्क यात्रा से गरीब का कल्याण होगा या पार्टी का विस्तार? भाई दोनों चीज होता है, आप सब जानते हैं विस्तार और कल्याण तो दोनों चीज है, अगर गरीब का कल्याण नहीं होते हैं, विस्तार और कल्याण तो दोनों चीज है, अगर गरीब का कल्याण नहीं होता, ये जो हम लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो सारा काम जो हो रहा है, इतना काम कभी हुआ था? हमें टेकारी में तीसरा टर्म विधायक है, माने 4 बार जीते थे, 3 टर्म फुल टर्म रहे, तो जितना भी काम हम लोग किए, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के प्रतिमे बनाना है तो हम नहीं बनाया था एक टेकारी में, क्या था टेकारी में? पावर ग्रिड से लेके 100 बेड का अस्पताल से लेके 50 करोड़ का पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेकर के ITI से लेकर अग्निशामक केंद्र से लेकर के अभी स्टेडियम बन रहा है, अभी आपका बस स्टैंड बन रहा है, ऑक्सीजन प्लांट लगवाए, क्या नहीं टेकारी में हमने किया है? चारों तरफ गांव को रोड से जोड़ दिया, बढ़िया बढ़िया रोड बना है, फ्लाई ओवर बन रहा है, पुल बन रहा है, ये तो काम सब लोगों को रोता है। सर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का समाधान यात्रा और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम मांझी जी का गरीब संपर्क यात्रा, लेकिन दोनों में सर जो है कहीं ना कहीं त्रुटियाँ नजर आ रही है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? कोई त्रुटियाँ नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो समाधान यात्रा है
वो समाधान यात्रा बहुत ही बढ़िया हुआ उनका। पूरे बिहार में जो जो परेशानी था, दिक्कत था, उन्होंने समाधान करने के लिए तुरंत पूरे आदेश दिया विभाग को और उसका लगातार उपाय कर रहे हैं। उसी में छूटे बढ़े जो चीज है, गरीब का जो दुख है, परेशानी है, किल्लत है, उसकी बात को हमारे नेता माननीय जी तरह मान लीजिए उसको बताएंगे, दिखाएंगे। कोई अंतर दोनों का नहीं है, उन्हीं के समर्थन में सब हुआ है, सरकार के समर्थन में हुआ है, सरकार से हम लोग अलग नहीं है। क्या लगता है उनकी समाधान यात्रा से जनता का कल्याण नहीं हो रही थी जो जीताराम मांझी जी उठे हैं आगे? नहीं, यह पार्टी का कार्यक्रम है, यह पार्टी अलग अलग है। पार्टी कार्यक्रम हो करके सरकार के समर्थन में ना वो घूम रहे हैं कि सरकार के अलग हम बिगुल बजा रहे हैं, तो ऐसी बात तो नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा करके पूरे बिहार में सारे चीजों को देखने का काम किया निकट से और उसमें अपने पदाधिकारियों को आदेश दे रहे हैं। जो छोटा बड़ा चीज हम लोग पार्टी के माध्यम से घूम रहा है, हम लोग को भी जो पता चलेगा परेशानी दिक्कत उस बात को हम लोग बताएंगे। माननीय जी तरह मनीष जी ने बोला कि समाधान यात्रा के दौरान केवल अधिकारियों का ही इसमें गड़बड़ा नजर आ रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जो काम करें बढ़िया काम हो रहा है और हमारा पार्टी अपना विस्तार भी या पार्टी हम अपना जो गरीब है जो परेशानी में है उस तकलीफ को हम लोग सुन रहे हैं, सुन करके संग्रहित करेंगे। या गांधी मैदान में 26 तारीख को समापन हम लोगों का है, उसमें भारी संख्या हम लोग जुटेंगे और उसको फिर हम लोग बता करके माननीय मुख्यमंत्री के पास रखेंगे।